पाठ चार संज्ञा। बच्चों, आप प्रतिदिन अपने आसपास अनेक वस्तुओं और व्यक्तियों को देखते हो। क्या आपको इनमें कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति दिखाई देता है जिसका कोई नाम ना हो? नहीं, आप प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को किसी न किसी नाम से पुकारते हो। संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसका कोई नाम ना हो। परिभाषा, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राणी, लड़का या बालक, लड़की या बालिका, स्त्री या औरत, पुरुष या आदमी, कुत्ता, गाय, सांप, कबूतर। वस्तु, पुस्तक, कार, पंखा, कुर्सी। स्थान, शहर, गांव। अवस्था, बचपन, बुढ़ापा, गरीबी। भाव, प्यार, खटास, मिठास। व्यक्तिवाचक संज्ञा, श्री कृष्ण, व्यक्ति, ताजमहल, इमारत, भारत, स्थान, रामायण, पुस्तक। ऊपर दिए गए चित्र विशेष हैं। श्री कृष्ण एक महान पुरुष हुए हैं। ताजमहल भी संसार में एक ही है। रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है। भारत एक विशेष देश का नाम है। वास्तव में ये सभी नाम विशेष हैं। ये अपने आप में केवल एक ही हैं। इनके जैसा कोई और नहीं है। परिभाषा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। निम्नांकित सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तियों के नाम, राम, सुमन, सुरेखा, कबीर, मधुर आदि। स्थानों के नाम, आगरा, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, बनारस आदि। पहाड़ों के नाम, हिमालय, सतपुड़ा, विध्यांचल आदि। देशों के नाम, भारत, चीन, जापान, अमेरिका आदि। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कृष्णा, शारदा, सिंधु, सतलुज आदि। सड़कों के नाम, संसद मार्ग, भगत सिंह मार्ग, ग्रैंड ट्रंक रोड आदि। पुस्तकों के नाम, गीता, बाइबल, कुरान, रामचरितमानस आदि। राज्यों के नाम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सागरों के नाम, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी आदि। जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक, फल, कबूतर, गाय। ऊपर दिए गए चित्रों में जो वस्तुएं दी गई हैं, ऐसी और भी बहुत सी वस्तुएं होती हैं। पुस्तकें कई तरह की होती हैं, फल कई तरह के होते हैं, कबूतर कई तरह के होते हैं, गाय भी अनेक प्रकार की होती हैं। वास्तव में ये सभी पुस्तक, फल, कबूतर, गाय अपनी पूरी जाति को प्रकट करने वाली संज्ञाएं हैं। एक का नाम लेने पर इनकी पूरी जाति का ज्ञान हो जाता है। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जाति का ज्ञान होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुर्सी, मेज, कलम, घर, फूल, बकरी, विद्यालय, मूर्ति, धोबी, छात्र, लड़का, लड़की आदि जातिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग इस जाति की समस्त वस्तुओं के लिए समान रूप से किया जाता है। कुर्सी किसी भी आकार प्रकार की हो, सभी कुर्सियों के लिए कुर्सी शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। यही नियम दिए गए अन्य शब्दों पर भी लागू होता है। अतः ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा, अवस्था, बचपन, गुण, सुंदरता, गुण, मिठास, आदत, प्यार। हम बच्चे को देख सकते हैं, पर उसके बचपन को नहीं देख सकते हैं। हम गुलाब के सुंदर फूल को देख सकते हैं, पर उसकी सुंदरता को नहीं देख सकते हैं। हम जलेबी को देख सकते हैं, परंतु उसकी मिठास को नहीं देख सकते। हम माँ को बच्चे को प्यार करते देख सकते हैं, पर माँ के मन के भीतर के प्यार को नहीं देख सकते हैं। बचपन, सुंदरता, मिठास और प्यार ऐसे भाव हैं
जिन्हें हम केवल अपने मन के भीतर अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में ये मन के भावों के नाम हैं, इसीलिए ये संज्ञाएं हैं। परिभाषा। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, गुण, दोष, आदत व कार्य का ज्ञान हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, अथवा मन के भावों को प्रकट करने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सफाई, ईमानदारी, जवानी, प्रसन्नता, क्रोध, प्रेम, घृणा, कड़वाहट आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। संज्ञा के दो अन्य भेद। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के दो अन्य भेद भी माने जाने लगे हैं, जो निम्नलिखित हैं। समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कक्षा, झुंड, भीड़। इसी प्रकार दल, सेना, सभा, गिरोह, समिति, टुकड़ी आदि शब्द भी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, आटा। इसी प्रकार दूध, मिट्टी, कांच, लोहा, तांबा, घास आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। नोट। वास्तव में समूहवाचक और द्रव्यवाचक को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना